सो अभी ये जो हमारा चैप्टर वन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें के बेसिक डेफिनेशंस हमने पढ़नी है। जो चैप्टर वन है, अभी वीडियो के स्टार्टिंग पे भी मैंने यही कहा था कि हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने पढ़ा क्या है, इसके क्या फ़ायदे थे। तो ये जो पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर यही है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, क्यों पढ़ना चाहिए ये चैप्टर हमें। पहले नंबर पे तो अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो उसमें भी इसके मार्क्स हैं, जो आपके एमसीक्यूज़ हैं उसमें भी ये आएंगे, डेफिनेशंस में भी इसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं, बारी बारी देखते हैं जी। सबसे पहले डेफिनेशन जो है स्टैटिस्टिक्स की, जो जहाँ से शुरू हुई है हिस्ट्री, सबसे पहले वो कहता है कि जो स्टैटिस्टिक है, तारीख में जो सबसे पहला जो इंसान था जिसका नाम था, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, उसका नाम था गॉट, जी ओ डबल टी एफ आर आई ई टी, गॉटफ्रेड एकनवॉल, गॉटफ्रेड एकन वॉल। गॉटफ्रेड एकनवॉल जो था, उसने 1749 में जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, जर्मन वर्ड इज स्टैटिस्टिक, ये जर्मन था गॉटफ्राइड एकनवॉल जिसने ये स्टैटिस्टिक का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, उसके बाद यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स है, ये हमारी स्टैटिस्टिक्स, इसको जर्मन वर्ड जो है वो स्टैटिस्टिक था। ठीक है, अगर मैं लैटिन में बात करता हूँ वो स्टेटस था, और इटालियन में इसको स्टैटिस्टा कहते हैं। अब ये जो तीनों लफ्ज़ हैं, इनका मतलब क्या है, इन इस स्टैटिस्टिक, इस स्टेटस और इस स्टैटिस्टा का मतलब ये है कि ये जो एक पॉलिटिकल स्टेट होती है ना, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब सियासी, जो एक सियासी हुकूमत होती है, जो एक सियासी हालत होती है ना, सियासी, ये सियासत हमारी, सियासी, ठीक है, सियासी पॉलिटिकल कंडीशन, यानी कि एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्टेट, एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्टडी जो है उसको स्टैटिस्टिक, स्टेटस या स्टैटिस्टा कहते हैं। यानी कि जब ये स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हुई थी ना, स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी सियासत, जो भी यानी कि एक हुकूमत होती थी, उस हुकूमत की जो सियासत होती थी ना, उस सियासत की जो पूरी पढ़ाई होती थी, उसकी जो पूरी ब्रीफ स्टडी होती थी, उसको वो स्टैटिस्टिक, स्टेटस और स्टैटिस्टा के अंदर यानी कि कंसिडर करते थे। यानी कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई, स्टैटिस्टिक्स से बात शुरू हुई, फिर ये जो थी ये 1749 की बात थी, ये बात थी 1749 की बात। ठीक है, उसके बाद 1700, ये जो है वो 1800 वाली जो सदी थी उसकी बात है, और ये जो बात है ये 1900 सदी वाली बात है, और ये जो अभी स्टैटिस्टिक है ये हमारी जो अभी 2000 वाली सदी शुरू हुई है, 21वीं सदी, ठीक है, 21st century, वो ये वाली अब की बात है। तो ये इसकी इस तरह से ये चली है, और ये इसकी जो करंट अभी पोजीशन है स्टैटिस्टिक्स, जो हमने पढ़नी है, देखनी है, वहाँ तक ये पहुँची है। कैसे पहुँची है, स्टैटिस्टिक थी, ठीक है, स्टैटिस्टा, स्टेटस, स्टेटसा, और फिर उससे स्टैटिस्टिक्स, सिर्फ ये सियासत की स्टडीज तक थी, लेकिन फिर ये उससे आगे ये बढ़ी है। ठीक है, ये इसकी यानी कि एक छोटी सी जिसे मैं हिस्ट्री कह सकता हूँ, ये उसकी हिस्ट्री है। अब ये इसके मल्टीपल ऑप्शन है, एमसीक्यूज जिन्हें कहते हैं, उसका वो भी आ सकता है कि स्टैटिस्टिक्स को जर्मन वर्ड जो है उसमें क्या कहते हैं, ठीक है, लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं, इटालियन वर्ड में क्या कहते हैं। ठीक है, ये इसकी छोटी सी हिस्ट्री थी, उस हिस्ट्री से अब हम आगे बढ़ते हैं कि उससे आगे क्या है। उसके बाद जो अगली बात है वो इसकी डेफिनेशन है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन है आगे। अब ये कहता है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये रियाजी की एक शाख है, डील्स, जिसमें शामिल है, जो कि डील करती है, ठीक है, ये रियाजी की एक ऐसी शाख है जो कि डील करती है इन कलेक्शन ऑफ डेटा,
ठीक है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स रियाजी की एक शाख है जिसमें डेटा को कैसे इकट्ठा करना है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइज का मतलब कि उसको तरतीब में लिखना, इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उसको डेटा को तरतीब देना, एनालिसिस ऑफ डेटा, उस डेटा का एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब कि एक रिपोर्ट बनानी, उसकी एक रिपोर्ट बनानी। जब हम आगे चलेंगे ना थोड़ा आगे, जहाँ कोई डाटा आएगा तो फिर मैं आपको ये डेफिनेशन उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि ये उसके ऊपर कैसे इंप्लीमेंट हो रही है। अभी फिलहाल हमने ये समझना है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स इन कलेक्शन ऑफ डेटा। पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फिर एनालिसिस ऑफ डाटा, फिर उसके एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि उसको इंटरप्रेट करना, लफ्ज़ों में लिखना। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, ये उसकी रिपोर्ट्स बना के, ये इंटरप्रिटेशन जो है ये रिपोर्ट उसकी लिखी जा रही है, और फिर उसको किस तरह से प्रेजेंटेशन उसकी देनी है, उस प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, ये उसकी बेसिक डेफिनेशन है जो कि आपको पेपर में भी आएगी और आपको ये पता भी होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन ये है। ठीक है, उससे हम थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये मेरे पास ये डाटा भी है, ये वाला डाटा। अब इस डाटा को मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा इसके ऊपर, लेकिन पहले हम देखते हैं प्लूरल सेंस, प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब है एनी पर्पसफुल एंड सिस्टमेटिकली कलेक्टेड डाटा। एनी पर्पसफुल, एनी पर्पसफुल का मतलब है कि जिसका कोई मकसद हो, एनी पर्पसफुल मकसद वाला, एंड सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली का मतलब होता है तरतीब के साथ, चीज़ें तरतीब के साथ पड़ी हुई हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये एक ये चीज़ पड़ी है, एक चीज़ ये पड़ी है, ये दोनों चीज़ें सिस्टमेटिकली पड़ी हुई हैं, और अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दूँ तो ये चीज़ें सिस्टमेटिकली नहीं पड़ी हुई। ठीक है, सिस्टमेटिकली का मतलब ये है। एनी पर्पसफुल, एनी पर्पसफुल यानी कि जिस जो के मुफीद है, जिसका पर्पसफुल है, जो के जिसका कोई मकसद है, एंड सिस्टमेटिकली कलेक्टेड डाटा। ठीक है, प्लूरल सेंस का मतलब है कि ये प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स ऐसी स्टैटिस्टिक्स है जिसके अंदर हम एक मकसद वाला और तरतीब के साथ डाटा को कलेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे लिखा है सिटी, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, लाहौर, कराची, फैसलाबाद। लाहौर के अंदर नंबर ऑफ एक्सीडेंट है 16, कराची के अंदर नंबर ऑफ एक्सीडेंट है 42, फैसलाबाद के अंदर नंबर ऑफ एक्सीडेंट है 8। तो ये एक डाटा है, डाटा किसका है, एक्सीडेंट्स का डाटा है। ठीक है, एक्सीडेंट्स का डाटा है, एक्सीडेंट्स का डाटा है सिटी वाइज। ये मैंने इसका एक कॉलम बनाया, इसका एक कॉलम बनाया, और इसको पढ़ना बड़ा आसान है, तरतीब में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये प्लूरल सेंस ऑफ डेटा है। अब इसको मैं बेतरतीब करके भी लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख दूँ ऐसे करके लिख दूँ जी, ये लाहौर में, लाहौर में 5 एक्सीडेंट हुए, कराची में इतने हुए, ये इतने हुए, ये इतने हुए, ये अजीब सा लिखा जाएगा। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के ये जो तरीका है, ये स्टैटिस्टिक का तरीका है कि नंबर्स के साथ उसको एक सिस्टमेटिक वे के अंदर लिखना, प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। अब मैं अगर बात करता हूँ अपनी इस डेफिनेशन की, बात करता हूँ, जब मैंने कहा था कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स इन कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा यानी कि ये जो एक्सीडेंट का डाटा है, पहले ये कहीं से कलेक्ट किया होगा, पहले ये कहीं, पहले मैं लाहौर गया होऊंगा, वहाँ मैंने पता किया होगा कितने एक्सीडेंट हुए, कराची गया होऊंगा पता किया होगा कितने एक्सीडेंट हुए, फैसलाबाद गया होऊंगा पता किया होगा कितने एक्सीडेंट हुए। तो पहले इस डाटा की हुई है कलेक्शन, कलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के सिटी, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, नंबर ऑफ एक्सीडेंट 16, 42, 8, इसको ऑर्गेनाइज करके लिखा है। फिर इसका करना है एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा का मतलब है वो, अच्छा लाहौर में 16 एक्सीडेंट हुए हैं, कराची में 42 हुए हैं, फैसलाबाद में 28 हुए हैं, ये इसका एनालिसिस किया। इसमें ये भी हो सकता है मैं लिखूं कि ये एक्सीडेंट इसने क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है। तो ये जो इसके ऊपर सोचो विचार करना है, ये हमारा एनालिसिस ऑफ डाटा हो गया। इंटरप्रिटेशन, उसके बाद इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि मैं लाइन में, लफ्ज़ों में लिख लूँ
कि लाहौर के अंदर 16 एक्सीडेंट हुए, फिर कराची में 42 हुए, फैसलाबाद में 8 हुए, उनकी कोई वजूहात हैं वो वजूहात भी लिखूं। तो वो जो वजूहात और वो जो सारी उसकी वजह लिख रहा हूं वो मेरी आ जाएगी इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के अंदर, एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के इसको मैं जो है ना वो एक पेज के ऊपर बड़ा खूबसूरत करके लिखूं, वो जो प्रेजेंटेशन के लिए खूबसूरत सा करके लिखा है ना वो प्रेजेंटेशन के अंदर आ जाएगा। तो ये सारा जो सिलसिलाकार है इसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, यानी कि ये सारा स्टैटिस्टिक्स है लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स की प्लुरल सेंस है। ठीक है, आइए अब ये हमारी डेफिनेशन हो गई है, इससे आगे चलते हैं, इससे आगे क्या कह रहा है ये। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है सिंगुलर सेंस, सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सिंगुलर सेंस का मतलब है अ बॉडी ऑफ प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स हेल्पफुल टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड एनालाइज डाटा एंड टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस एंड डिसीजंस। यानी कि इसका मतलब है, सिंगुलर सेंस का मतलब है कि अ बॉडी ऑफ प्रोसीजर, यानी कि ये एक तरीकाकार, प्रोसीजर एंड टेक्निक्स का मतलब होता है तरीकाकार। ठीक है, प्रोसीजर का मतलब होता है एंड टेक्निक्स का मतलब होता है तरीकाकार, टेक्निक का मतलब होता है कि किसी एक खास तरीके के जरिए किसी काम को करना। ये ऐसे प्रोसीजर, ऐसे सिलसिलाकार, ऐसे तरीकात और टेक्निक्स हैं जो कि डाटा को कलेक्ट करने, प्रोसेस करने और उसको एनालिसिस एनालिसिस उसका करने के लिए और फिर उसके ऊपर एक डिसीजन मेकिंग, उसके ऊपर एक फैसला करने के लिए जो मदद हमें देते हैं ना वो सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे ये कि ये डाटा है यहाँ पे, ये वाला, इस डाटा को इकट्ठा करने के तरीके, प्रोसीजर, टेक्निक, इसको इसकी कलेक्शन, इसकी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी रिपोर्ट, ये सारा कुछ करने के लिए जो तरीके इस्तेमाल करूँगा ना, जो तरीके, ये है, ये सारा तरीक, ये वो काम है, इस काम का करना प्लुरल सेंस है, और इस काम को किन तरीकों के जरिए करना है उस चीज़ को हम सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद टू ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांच है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, पहली ब्रांच कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है ये हम देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव के अंदर आ जाएगा ये, अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ, कहता है कंसिस्ट ऑन डाटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, सिम्यूटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के का मतलब है इस डेफिनेशन को ना, ये जो डेफिनेशन, इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इसने कहा है रिजल्ट कार्ड इज आर डिस्क्रिप्टिव डाटा, रिजल्ट कार्ड इज आर डिस्क्रिप्टिव डाटा। मिसाल के तौर पे रिजल्ट कार्ड जो है वो डिस्क्रिप्टिव डाटा की, यहाँ मैं लिख देता हूँ राशिद, मेरा नाम, मेरा जो ग्रेड आया वो ए आया है और जो मैंने नंबर लिए हैं वो मैंने लिए हैं 850। ठीक है, 850 मैंने नंबर लिए हैं। अब जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है ना उसके अंदर हम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, कैसे करते हैं, नंबर के ज़रिए, कि ये उसका नाम है, ये उसके 850 नंबर। अब मैं कह दूं यार जो राशिद है इसने ए ग्रेड लिया है और 850 नंबर लिया है, यार ये बड़ा मेहनती बच्चा है, ये तो इसके तो इतने ज़्यादा नंबर है। तो ये जो मैं नंबर्स के ज़रिए इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ ना, इसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। कॉन्सिस्ट ऑन डाटा कलेक्शन, पहले डाटा कलेक्शन होगा, ठीक है, राशिद है उसका ए ग्रेड आया और उसके नंबर 850, ये हो गया डाटा कलेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसको तरतीब में लिखना, सिम्यूटेशन एंड प्रेजेंटेशन, सिम्यूटेशन का मतलब कि उसको इकट्ठा करना, सम करना, सिम्यूटेशन का मतलब होता है सम करना, ठीक है, और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब है कि उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके के अंदर लिख लेना। ठीक है, तो इस तरह के डिस्क्रिप्टिव डाटा से, डिस्क्रिप्टिव डाटा कह रहा हूँ, इस तरह के जो न्यूमेरिक डाटा है ना उसके ज़रिए जो हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, और डेफिनेशन ये है जिसका आपने रटा लगाना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। पहली जो हमने ब्रांच पढ़ी है स्टैटिस्टिक्स की वो है डिस्क्रिप्टिव, और जो दूसरी ब्रांच है उसकी वो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल। अब इन्फ्रेंशियल में क्या होता है, यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन लिखी है वो लिखी हुई है इज़ यूज, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज टू ड्रॉ कंक्लूजन आर इन्फ्रेंस, ठीक है, कंक्लूजन इन्फ्रेंस का मतलब वही है, अबाउट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैम्पल डाटा, बेस्ड ऑन सैम्पल डाटा। यानी कि वो कहता है कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम
फैसले करते हैं या नतीजे निकालते हैं पूरी पॉपुलेशन के बारे में जो हमने सैंपल के जरिए डाटा लिया होता है। इसका मतलब ये है कि एक स्कूल है, उसके अंदर 100 बच्चे हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे, एक स्कूल है उसके अंदर 100 बच्चे हैं, ये जो 100 बच्चे हैं ये हो जाएगी मेरी पॉपुलेशन, ठीक है। और ये कहता है कि हम पॉपुलेशन का फैसला करते हैं, यानी कि इन सारे बच्चों का फैसला करते हैं, किसके ऊपर, सैंपल के ऊपर। मैं यहाँ से 2 बच्चे उठाता हूँ, 2 बच्चे, और मैं देखता हूँ कि वो बच्चे सारे टाइम पे स्कूल आते हैं, टाइम पे स्कूल आते हैं। इन 2 बच्चों के ऊपर मैं टेस्ट करके कहता हूँ कि ये जो सारे का सारा स्कूल है ना, सारी की सारी पॉपुलेशन है, ये सारे बच्चे जो है ना बड़े पंक्चुअल हैं, टाइम पे आते हैं, कभी लेट नहीं होते। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये होता है कि हम पॉपुलेशन की जो सैंपल लिया होता है ना, सैंपल के ऊपर जो हमने ये सैंपल लेके एनालिसिस लगाए होते हैं, उस एनालिसिस के ऊपर हम कंक्लूजन निकालते हैं और अपनी जो भी डिसीजन मेकिंग होती है ना वो हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। ये हमारी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है, ठीक है। मतलब मैंने आपको समझा दिया है, बाकी बुक के अंदर सारी डेफिनेशंस लिखी हैं, वहाँ से आप रट्टा लगा सकते हो या खुद से भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। अब आप मैट्रिक के बच्चे नहीं हो कि आपने सारी चीज़ें जो है ना वो जो लिखी हुई हैं किताब में वही रट्टा लगा के याद करके और वही लिख के आनी है। अगर आपको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की समझ आ गई है कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का मतलब ये होता है कि हम इसके अंदर हम ड्रॉ कंक्लूजन करते हैं किसके अबाउट पॉपुलेशन, हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में एक फैसला लेते हैं सैंपल की बुनियाद के ऊपर, इसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इनको अपने मतलब में भी आप पेपर में लिखेंगे ना तो वो आपको नंबर दे देगा, वो ये नहीं कहेगा कि आपने ये क्यों लिखा है। उसके बाद इसमें जो है नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमने देखनी है, डिफरेंस ऑफ सेंसेस एंड सैंपल, कि सैंपल और सेंसेस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। सेंसेस का मतलब होता है पूरी पॉपुलेशन, उसी तरह जो ऊपर बात की है, पूरी जो पॉपुलेशन है ना वो है सेंसेस की, और उसके अंदर जो कुछ चीज़ें हम निकालते हैं उसको मैं सैंपल कहता हूँ, ठीक है। ये फ़र्क है सेंसेस में और सैंपल में। सेंसेस जो है इसको पॉपुलेशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, हम पेपर में आपको ये भी आ सकता है कि लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स की जो कमज़ोरियाँ हैं वो क्या हैं, कहाँ पे जो है ना ये स्टैटिस्टिक्स नहीं अप्लाई होती। सबसे पहली चीज़ है स्टैटिस्टिक्स डील्स विद ग्रुप्स ओनली, कि ये ग्रुप्स की बात करती है। जैसे हमने शुरू में डाटा देखा था लाहौर का, कराची का, फैसलाबाद का, और उसका ताल्लुक जो था वो दूसरे चीज़ के साथ, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स के साथ भी था। यानी कि इसके अंदर पूरे ग्रुप्स की शक्ल में डाटा होता है, किसी एक इंसान का डाटा या एक चीज़ का इंडिविजुअल डाटा नहीं होता, ये इसकी लिमिटेशन है। स्टैटिस्टिक बेस्ट अप्लाइज ऑन क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है, जो नंबर्स में डाटा होगा, नंबर ऑफ एक्सीडेंट एक हुआ है, 2 हुए हैं, 4 हुए हैं, 5, 6, किसी 10 नंबर हैं, 20 नंबर हैं, 50 नंबर हैं, तो ये जो डिजिट वाला नंबर है ना उसके ऊपर ये बड़ा परफेक्ट स्टैटिस्टिकल जो है ना ये अप्लाइज होती है। नॉट एप्लीकेबल ऑन हेट्रोजीनियस डाटा, कि हेट्रोजीनियस डाटा जो होता है ना उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होती। हेट्रोजीनियस डाटा ये होता है कि यानी कि ये बड़ा अजीब सा डाटा होता है, कि यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स 1, फिर लिख दिया है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बी, नंबर ऑफ एक्सीडेंट सी, नंबर ऑफ एक्सीडेंट 5, यानी कि ये अजीबो गरीब सा डाटा होता है। तो ये जो अजीबो गरीब सा डाटा, हेट्रोजीनियस का मतलब ही ये है। तो जो इस तरह का डाटा होता है ना उसके ऊपर ये स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं होती। फिर एक चीज़ इसमें ये है कि ओनली एक्सपर्ट पर्सन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन हैंडल डाटा ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स जो है ना ये भी इसकी कमज़ोरी है कि इसको आम बंदा जिसको नहीं आती वो हैंडल नहीं कर सकता। जो बहुत एक्सपर्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होगा ना, वही इस डाटा को हैंडल कर सकता है। उसके बाद देयर मे बी एरर्स इन इन्फ्रेंशियल डाटा वाइल मेकिंग कंक्लूजन, जब इन्फ्रेंशियल डाटा वही है ना, अगर आप याद करो इन्फ्रेंशियल एनालिसिस वो एनालिसिस होते हैं कि हम पूरी पॉपुलेशन की जो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं वो किसी 2 के ऊपर कर रहे होते हैं, तो वो 2 के ऊपर क्यों कर रहे होते हैं, बाकी लोगों को भी कहते हैं कि जो लोगों जो इनका फैसला आया ना कि ये बड़े टाइमली हैं,
इनकी वजह से हम बाकी पूरी पॉपुलेशन को कह देते हैं कि सारे टाइमली आते हैं, तो इस वजह से इसमें गलती के चांसेस भी होते हैं, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है।